मैं हूं शिल्पी सेठ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक माह पहले हुई हत्या में फरार चल रहे वांछित आरोपी को झांसी की प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए हत्या आरोपी के पास से एक तमंचा और एक बाइक व नकदी बरामद हुई है। हालांकि अभी एक और हत्यारोपी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहा है, जबकि इससे पहले एक हत्यारोपी कांग्रेसी नेता को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। आपको बताते चलें कि झांसी एसएसपी दिनेश कुमार पी के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक नगर विवेक त्रिपाठी और क्षेत्राधिकारी सदर हिमांशु गौरव के नेतृत्व में प्रेमनगर थाना प्रभारी रणविजय सिंह अपनी टीम के साथ एक माह पहले हुई हत्या में फरार चल रहे आरोपी की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सफलता मिली। उन्होंने थाना क्षेत्र में स्थित एक विवाह घर के पास से एक हत्यारोपी को पकड़ लिया। पकड़े गए हत्यारोपी ने अपना नाम पिंटू परिहार, निवासी राजीव नगर थाना प्रेम नगर बताया। पुलिस अधीक्षक नगर ने पकड़े गए आरोपी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 19 दिसंबर 2020 को आजाद सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप राजेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव, पिंटू परिहार और एक अज्ञात व्यक्ति पर लगाया गया था, जिसमें राजेंद्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। वहीं अन्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर चल रहे थे। पुलिस ने फरार आरोपी पिंटू परिहार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 4,000 रुपये नगद, हत्या में प्रयुक्त बाइक UP93AH 7615 और 315 बोर का तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया है। उक्त मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों की पुलिस अभी तलाश करने में लगी हुई है। शीघ्र ही वह आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ मोहम्मद मौसम की रिपोर्ट। 19 दिसंबर को थाना प्रेम नगर के अंतर्गत एक व्यक्ति आजाद सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें तीन व्यक्तियों को नामजद किया गया था और एक व्यक्ति अज्ञात आरोपित किया गया था। नामजद व्यक्तियों में राजेंद्र सिंह यादव उर्फ राजू जहरीला को पहले पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। आज प्रभारी निरीक्षक प्रेम नगर द्वारा अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर दूसरे नामजद अभियुक्त पिंटू परिहार पुत्रातर सिंह परिहार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उसे गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों के बारे में विवेचना की जा रही है और शीघ्र ही उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।